हमने अक्सर देखा है कि व्यक्ति के शरीर में कई जगह तिल होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं समुद्र शास्त्र में तिल का होना एक महत्वपूर्ण भाग माना गया है। लेकिन शरीर पर किस जगह तिल होना भागशाली होता है, इस विषय पर ज्योतिष आचार्य ने लोकल 18 को बताया कि समुद्र शास्त्र में व्यक्ति के शरीर के तिल के बारे में कई जानकारियाँ दी गई है। तिल के अनुसार शुभ और अशुभ संकेत बताए गए हैं। तो आइए ज्योतिष आचार्य से जानते हैं कि शरीर पर किस जगह तिल शुभ होता है और धन धान देता है। सामुद्रिक शास्त्र में तिल के संबंध में जानकारी दी गई है। ज्योतिष शास्त्र का ही एक भाग होता है सामुद्रिक शास्त्र, जिसमें शकुन या अपशकुन के विषय में विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई है, जानकारियों का वर्णन है। तो हमारे शरीर में जो विभिन्न स्थानों पर जो तिल होते हैं, उनमें से कुछ तिल भाग्यशाली होते हैं, जिनके द्वारा हमको शुभ फल की प्राप्ति होती है। उन शुभ स्थानों के तिल को देख करके अनुमान लगाया जा सकता है कि किस प्रकार के शुभ फल की हमको प्राप्ति होने जा रही है। सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के आकार, शरीर के रंग, तिल और अन्य जो शरीर में चिन्ह होते हैं, जो निशान होते हैं, उनको देख करके व्यक्ति के गुण, स्वभाव और भविष्य के विषय में जानकारी दी जा सकती है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि पुरुषों के दाहिनी ओर के तिल पर विचार किया जाता है और स्त्रियों के जो है बाईं ओर के हाथ की तरफ के जो तिल हैं, उन तिल पर विचार किया जाता है। यदि हमारी दाहिनी हथेली का जो ऊपरी भाग है, इस ऊपरी भाग पर यदि तिल है तो व्यक्ति धनवान होता है, और बाएं हाथ में यदि तिल है तो बाएं हाथ में यदि तिल है पुरुष के तो धन रुकता नहीं है, धन का अपव्यय होता है। यदि हाथ के हम चंद्र पर्वत पर विचार करें तो जिस व्यक्ति के दाहिने हाथ के चंद्र पर्वत पर तिल होता है वह व्यक्ति चंचल होता है। जो गुरु पर्वत कहा गया है उस पर यदि तिल होता है तो शिक्षा में बाधा होती है। शनि पर्वत पर यदि तिल होता है तो व्यक्ति का आत्मविश्वास से तो व्यक्ति युक्त रहता है, लेकिन उसके कार्यों में समय समय पर बाधाएं आती हैं। इसी प्रकार यदि मंगल पर्वत पर तिल है तो दुर्घटनाएं होती हैं। शुक्र पर्वत पर यदि तिल है तो वैवाहिक जीवन में संकट आता है, और बुध पर्वत पर यदि तिल है तो व्यक्ति को अनेकों बार नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब हम शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उनकी बात करें तो व्यक्ति के मस्तक पर या ललाट पर, व्यक्ति के मस्तिष्क पर या ललाट पर या भौहों के मध्य में यदि तिल होता है तो वह व्यक्ति बड़ा भाग्यवान होता है, उसको सभी प्रकार की सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नाभि पर या नाभि के आसपास यदि व्यक्ति को तिल होता है तो उसको किसी प्रकार की धन की कमी नहीं होती है। यदि व्यक्ति की छाती पे या सीने पर दाहिनी ओर तिल होता है तो वह भाग्यशाली होता है, मान सम्मान से युक्त होता है, समाज में वह प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। नाक के दाहिनी ओर यदि तिल होता है, नाक पर दाहिनी ओर यदि तिल होता है तो व्यक्ति धन से तो युक्त होता है, धनवान होता है, लेकिन उसी मात्रा में वह खर्चीला भी होता है। तो इस बात को एक बार पुनः हम आवृत्ति प्रदान करते हैं, पुनः हम उसको रिपीट करते हैं कि पुरुषों के दाहिनी ओर के अंग के तिल पर विचार किया जाता है और स्त्री के बाईं ओर के अंगों पर जो तिल है उनका विचार किया जाता है। इसके अलावा व्यक्ति के कान पर, कई बार उसके मुख पर, होंठ के आसपास भी तिल होते हैं, गले में तिल होते हैं, इन सभी तिलों का, व्यक्ति के जहाँ जहाँ तिल होते हैं वहाँ वहाँ तिल का अलग अलग फल रहता है, उसके अनुसार उसको परिणाम की प्राप्ति होती है।